नैब टीम के जाने के बाद हमजा शहबाज सामने आए। नैब की यलगार ने 12 अक्टूबर की याद ताज़ा कर दी। नियाजी साहब, नैब से नहीं डरता, मुल्क की माशी हालत से डरता हूँ। हम पुरमन लोग हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमजा शहबाज का कारकुनान से खिताब, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, नियाजी साहब सियासी लड़ाइयाँ बंद करो, मिसाके मईशत पर बात करें। हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 8 अप्रैल तक दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। हमजा शहबाज को सोमवार तक गिरफ्तार ना किया जाए। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार शमीम ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त की। हमजा शहबाज को 8 अप्रैल को 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। 3 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अगर कोई जज किसी मुकदमे में इंसाफ नहीं करता तो दुनिया आखिरत में उसका जवाब दे होगा। इंसाफ पर मबनी एक फैसला सालों की इबादत से बढ़कर होता है। जजेस की कारकर्दगी और इस्तेदादकार में इजाफा वक्त का अहम तकाजा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब। वुजू के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मसाजिद के बाहर टैंक नस्ब करने की तजवीज। चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जेर सदारत अहम इजलास। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से पानी के ज़िया पर रिपोर्ट कमीशन को पेश। सर्विस स्टेशन को रीसाइकल प्लांट नस्ब करने के लिए 2 रोज की मोहलत। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी का कहना है कि बहुत जल्द वजू के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मनसूबे पर अमल शुरू हो जाएगा। खैबान फिरदौसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा। DGLDA आमना इमरान ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 24 करोड़ रुपए लागत आएगी। 3 मकामात पर डबल यू टर्न जबकि एक जगह सिंगल यू टर्न बनाया जाएगा। 3.7 किलोमीटर तवील खैबान फिरदौसी मुकम्मल तौर पर सिग्नल फ्री होगा। हुकाम की ब्रीफिंग। पंजाब पुलिस में इंतकाल और तबादले। DSP शाहिद रशीद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर तैनात। DSP नुमान अजीज को स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात किया गया। DSP सुबह खान, SDPO मुगलपुरा तैनात।